हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस द हिल्स ऑफ स्लोवेनिया के तीसरे गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। और यहाँ पे हमने जो है वो एक ऑर्चर्ड सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है। बेसिकली इसमें हमारा जो है वो मेन फोकस जो है वो ऑर्चर्ड्स होंगे, जैसे कि ग्रेप्स और ऑलिव्स। सो पिछले गेम प्ले में हम लोग जो है वो ग्रेप्स हार्वेस्ट कर रहे थे, तो हमारे पास तकरीबन दो टिपर भर के जो है वो ग्रेप्स निकले। ऑलिव्स क्योंकि हमारे पास प्रोबेबली कम प्लांट किए थे हमने, तो इसलिए वो हमारे पास मुश्किल से एक टिपर फुल भी नहीं निकला है। तो इस बार जो है वो मैंने ऑलिव्स कुछ एक्स्ट्रा जो है वो प्लांट किए हैं, तो होपफुली अगले बैच में जो है वो भी हमारे पास रेडी टू हार्वेस्ट होंगे और हम लोग जो है वो उनको भी हार्वेस्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे ग्रेप्स के साथ हमें जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्क जो करना पड़ता है वो ये है कि जब हम ग्रेप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इनकी जो है वो जो बेलें होती हैं अंगूरों की, सो इनको हमें जो है वो फिर बाद में काटना पड़ता है। तो काटने के लिए ये वाला रोलर सा जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यही वाला जो है वो यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करते हुए ग्रेप्स की जो है वाइंस हैं इनको हम लोग जो है वो ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम नहीं करेंगे तो ये दोबारा अंगूर जो है वो यहाँ पर नहीं उगेंगे और ना ही हमें न्यू दोबारा जो है वो अंगूर देखने को मिलेंगे। तो इनको ट्रिम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रैक्टर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये एंटोनियो करारो जो है वो पैक का एक ट्रैक्टर है, काफ़ी छोटा कम्पैक्ट ट्रैक्टर है। बेसिकली ये ऑर्चर्ड्स पैक का ही एक हिस्सा है और इसमें जो है वो आप ऑर्चर्ड्स के लिए जो भी ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं वो आप इससे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैक है और मुझे टू बी ऑनेस्ट पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं आपके सामने ही है इसको फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज़ भी कर रहा हूँ। सो इट इज़ अ वेरी नाइस PLC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजीली जो है वो हम यहाँ पे इनको बेल्स को जो है वो ट्रिम कर रहे हैं। नाउ द रीज़न इज़ कि ये वाला टूल मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें एरर जो है वो कम है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो इस वजह से जो है वो इसके थ्रू आप काफ़ी फास्ट जो है वो काम कर सकते हो। आपको बार बार जो है वो फिक्र नहीं करनी पड़ती कि यार ये ट्रैक्टर स्टक हो रहा है इसके अंदर लग के, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो अनफोल्ड मतलब कि फैल जाता है और श्रिंक भी हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है और इसको यूज़ करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में भी दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ पे ये ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर्स हैं इनकी ज़्यादातर बैक साइड्स जो हैं वो ब्लॉक्ड है, आप पीछे वाली विंडो पे से कोई चीज़ नहीं देख सकते क्योंकि पीछे जो है वो कुशनिंग वगैरह हुई हुई होती है। सो या दैट्स इट। तो यहाँ पे गाइज हमने थोड़ा सा जो पोस्टपोन कर दिया जो वाइंस हमने ट्रिम करनी थी, क्योंकि वो मैं बाद में जो है वो कर लूँगा क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने जो है वो ग्रेप्स प्लांट किए, सो इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। सो अभी हम नेक्स्ट जो है वो करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक दो ग्रास फील्ड है और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैंने जो है वो रैप्ड बेल्स नहीं बनाई, सो आज हम लोग जो है वो फार्मिंग सिमुलेटर काफ़ी दिनों से क्या बल्कि फार्मिंग सिमुलेटर 22 में हमने रैप्ड बिल्स बनाई ही नहीं है। सो मैं जो है वो यहाँ पे हमें पैसों की भी कुछ ज़रूरत है, सो मैं जो है वो यहाँ पे रैप्ड बिल्स जो है वो बना के उनको जो है वो सेल करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी। अरे यार, सो ये ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से लाइट है, ऊपर से मैंने इसके बैक टायर्स के ऊपर भी जो है वेट्स लगाए हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो गया ये ट्रैक्टर उठ रहा है ऊपर को। तो मुझे लगता है कि इसको अगर हमने मूव करना है तो इसके साथ हमें जो है वो कोई वेट वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे यहाँ पे हमारी बात जो है वो नहीं बनने वाली। सो लेट्स सी, इसके साथ अगर हम चल पाएँ थोड़ा सा जहाँ पे वो जो चीज़ें स्पान होती हैं शॉप की, अगर वहाँ तक इसको ले जाएँ तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हम इसको ले के जा पाएंगे वहाँ तक। तो फोल्ड करके देखते हैं, अनफोल्ड करके देखते हैं, शायद चला जाए। इवन दो के अनफोल्ड करने से इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो चलो यार इसको फिर ऐसे ही हम आगे ले चलते हैं और इसके साथ हम वेट जो है वो कनेक्ट करते हैं। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि ये ट्रैक्टर जो है वो ईजीली मैनेज कर लेगा, बट आई वॉज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो 1500 kg का जो है वो वेट इसके साथ लगा देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में हमें पता चले कि ये जो वेट है ये भी छोटा है, ठीक है। सो एक ही दफ़ा जो है वो हम अच्छे वाला और बड़े वाला जो है वो इसके साथ वेट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड आई होप
कि इस बार जो है वो ट्रैक्टर एटलीस्ट आगे से उठेगा नहीं। लेट्स सी। ओके, सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल, तो उठ तो नहीं रहा, लेकिन आगे से अभी भी जो है वो आप देख सकते हैं। अभी मतलब जब जंप आता है तो थोड़ा सा जंप करता है, ठीक है, थोड़ा सा उठता है, लेकिन उस तरह से नहीं उठ रहा जिस तरह से पहले उठ रहा था। सो वेट हमारा तकरीबन जो है वो अभी भी कम है, बट आई गेस कि इट विल वर्क, और इतने वेट से हमारा जो है वो काम बन जाएगा। सो अभी हम चलते हैं और हमारा जो है वो ग्रास उसको मूव करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या करता है ये ट्रैक्टर। मुझे ये भी थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि शायद ये ट्रैक्टर जो है वो अंडर पावर ना निकल आए, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि है ना ये मैप असल में फ्लैट नहीं है, ये बड़ा हिली सा मैप है, और इसमें जो है वो बाज़ाहर कोई चीज़ अगर पावर उसकी ठीक हो, लेकिन जब आप उसको अप हिल ड्राइव करते हैं या मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाई की तरफ जो है वो उसको ड्राइव करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसकी पावर जो है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि अगर फ्लैट ट्रेन हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रेन फ्लैट होती नहीं है। सो ट्रेन जो है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, कभी ऊंची तो कभी नीची, तो नीची के ऊपर जाते वक्त तो कोई मसला नहीं बनता, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ाई की तरफ इसको चढ़ाना शुरू करते हैं तब जाके जो है वो मसला आता है। ट्रैक्टर अगर आपका मतलब परफेक्टली पावर भी हो उसमें, तो फिर भी जो है वो चढ़ाई चढ़ते वक्त अंडर पावर हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे तो ये ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर जो है वो फील हो रहा है, और इसको भी हम मज़ीद ड्राइव करके थोड़ा सा देख लेते हैं। शायद मुझे लगा हो कभी कभी जो है वो कोई मैप में बिल्कुल ही अनइवन ट्रेन होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो यहाँ से अगर ये चढ़ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं चढ़ता तो डैट मीन्स इट इज़ अंडर पावर। सो गाइज़ ये ट्रैक्टर अंडर पावर निकल चुका है, और इसको अभी हमें रिप्लेस ही कर देना चाहिए तो बेहतर है। सो इसका वेट भी मैं यहाँ पे ही छोड़ दूँगा, जो न्यू ट्रैक्टर होगा उसके ऊपर भी मैं वेट कनेक्ट करूँगा, जस्ट इन केस कि हमें जो वो बड़े ट्रैक्टर के साथ भी कोई वेट का अगर मसला आता है तो हम इजीली उसको जो है सॉर्ट आउट कर सके। सो इसको भी हम लेके चलते हैं फार्म पे, वहाँ पे इसको हम पार्क कर देते हैं, और इसकी जगह पे जो है वो नया बड़ा ट्रैक्टर जो लेके आते हैं। बड़े ट्रैक्टर में इस बार मेरे पास फ़िलहाल जो है वो न्यू हॉलैंड का T8 ही है, शायद T8 या T7, काफ़ी दिन हो गए हैं गेम के खेले को तो याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से T8 है। सो इसको हम यहाँ पे प्रॉपरली नाइसली पार्क कर देते हैं, क्योंकि बाद में हमने ही जो है वो यहाँ से गुजरना होता है, तो फिर जब हम मेस क्रिएट कर लेते हैं तो बड़ा मसला बनता है। सो T7 है मेरे पास बड़े ट्रैक्टर्स में से, और यही मेरे पास जो है वो सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। सो इसको अभी हम यूज़ करते हैं। वेट जो है मैं वहीं पर आपके सामने छोड़ आया था फील्ड के अंदर ही, सो वेट जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वेट भी इसके सामने एक कनेक्ट कर लेंगे जस्ट इन केस अगर हमें स्टेबिलिटी के रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो नज़र आता है। सो हम लोग जो है वो वेट इसको जो है वो कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने रीसेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर ही लिया है, ठीक है, आपने भी मतलब देख ही लिया है कि किस तरह से जो है वो असल में ये जो है अपना ये मोवर जो है वो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो उस वजह से भी मतलब थोड़ा सा इशू यहाँ पे बन रहा है। सो ये नहीं है कि मोवर ठीक है, तो मोवर भी जो है वो थोड़ा सा हैवी है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनीवेज लेट्स सी कि ये ट्रैक्टर जो है वो क्या करता है। आई थिंक ये थोड़ा सा नहीं काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा उस ट्रैक्टर से, और फिलहाल तो यहाँ पे इसकी भी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी दूसरा ट्रैक्टर, वो तो तकरीबन जो है वो जवाब ही दे गया था यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अनइवन ट्रेन है, तो कहीं कहीं पे पैचेस जो है वो छूट रहे हैं, तो उनको हम लोग जो है वो बाद में कवर कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्योंकि वो मतलब ट्रेन ही कुछ इस तरह की है, तो वहाँ पे अगर हम टूल ऊपर से ड्राइव करते भी हैं तो फिर भी वो काम अपना नहीं करता, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसी है। सो उनको हम लोग जो है वो बाद में रिकवर जो है वो कर लेंगे, ठीक है। ओके जी गाइस, तो मूविंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हमने जो है वो विंड रोवर यूज़ करना है। विंड रोवर क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो है वो बनानी है रैप्ड बेल्स, ठीक है, और रैप्ड बेल्स जो है वो हम हे की बेल्स नहीं बना सकते, वो हम सिर्फ ग्रास की बना सकते हैं। सो अगर हम हे यूज़ करते हैं तो बेल्स जो है वो रैप नहीं होंगी, कीप दैट इन माइंड।
बेल्स उसी वक्त रैप होंगी जब हम वेट ग्रास जो है वो उसको रैप करेंगे। अगर हमने उसको उसके ऊपर टेडर यूज़ कर लिया तो फिर जो है वो रैप नहीं हो सकती बेल्स। सो कीप दैट इन माइंड। सो इसलिए अभी हमने टेडर नहीं यूज़ करना, तो हमें जो ये विंडरोवर जो है वो यूज़ करना है ताकि हम लोग जो है वो ग्रास का अच्छे से मैनेज कर सकें और फिर बाद में हम लोग जो है वो बेलर यूज़ करते हुए बेल रैप कर सकते। मैं यहाँ पे राउंड बेलर यूज़ करूँगा। राउंड बेलर इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि राउंड बेल कलेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, और दूसरी रीज़न ये है कि अगर हम स्क्वेयर बेल्स बनाते हैं तो हमें रैपर जो बेल रैपर जो है वो अलग से लेना पड़ेगा। सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो इसलिए मैं जो है वो ये नहीं चाहता कि हम जो है वो पहले बेल्स बनाएं फिर उनको एक एक को उठा के रैप करते। फिर तो बेहतर है कि जैसी बेल बने उसी टाइम पे जो है वो रैप हो जाए। इससे मेरा टाइम भी बचेगा और हमें जो है वो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी कोई इतना खास बाय नहीं करना पड़ेगा, और हमारी बेल्स जो हैं वो भी साथ ही साथ रैप होती रहेंगी, टाइम भी जो है वो हमारा सेव होगा। सो इसलिए स्क्वेयर बेल्स की जगह पे मैं जो है वो राउंड बेल्स को भी रैप करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे करते हैं यूज़ विंडरोवर। थोड़ा सा छोटा है, लास्ट टाइम मैंने काफ़ी बड़े वाला जो है वो विंडरोवर यूज़ किया था, लीज़ पे ले लिया था। बट इस टाइम पे जो है वो यही वाला विंडरोवर है, तो इसको ही हम लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स सी। और इसको अभी हमने सारा जो है वो करना है, विंडरोवर यूज़ करना है इस फील्ड के ऊपर, और फिर हम लोग जो है वो फाइनली यहाँ पे अपनी रैप्ड बेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। फिलहाल जो मेरे पास बेलर है वो सिर्फ और सिर्फ राउंड बेल्स बनाता है। सो मोस्ट लाइकली हमें जो है वो एक ऐसा बेलर जो है वो लेना पड़ेगा जो कि रैप्ड बेल्स भी जो है वो साथ बनाता है। सो लेट्स सी। एंड इसको जो है वो मेरी कोशिश यही होगी कि सीधी सीधी लाइनें बनाऊं और फील्ड को जो है वो सर्कुलर लाइंस ना बनाऊं। सर्कुलर में लाइंस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको प्रिसाइजली जो है वो ड्राइव करना पड़ता है। अगर आप प्रिसाइजली ड्राइव नहीं करते हैं वो आप बहुत ज़्यादा ग्रास जो है वो फील्ड के ऊपर मिस कर देते हैं। मेरी यहाँ पे प्रियोरिटी यही होगी कि सीधी सीधी जो है वो लाइनें बनाऊँ ताकि एक दफ़ा जब ट्रैक्टर मुड़ जाए तो मुझे बार बार जो है वो उसको प्रिसाइजली मोड़ने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे गाइज ये मैंने रैपर जो है ले लिया है, ये पुटिंगर का जो है वो रैप बेलर है, और इसके साथ ही जो है वो रैपिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। जो रैप का कलर चूज़ किया है वो मैंने ब्लू चूज़ किया है बिकॉज़ इट्स अ न्यू कलर। इससे पहले हमारे पास पिछली गेम्स में एक ब्लैक कलर होता था, एक वाइट होता था, एक पिंक होता था। इस बार जो है ये ब्लू कलर भी हमारे पास जो है वो न्यू आया है। मैंने सोचा कि वाई नॉट वी शुड ट्राई दिस न्यू कलर। इसको अभी हम यहाँ पे बेल्स बनाना और रैप करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मेकिंग ग्रास बेल्स, और इसके पीछे ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा है ये थोड़ी देर तक जो है वो इसको खुद ही रैप भी करना जो है वो शुरू कर देगा। दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो लेट्स सी के कहता है ये वाला रैप या नहीं। ओके, सो मेरे ख्याल से ये बेल का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी बेल्स बनानी चाहिए ताकि हमें जो है वो कम बेल्स के साथ डील करना पड़े, और बेल बड़ी होंगी तो मतलब फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर हम छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं। ग्रास तो हमारा सेम क्वांटिटी में रहेगा, लेकिन यह है कि बेल्स फिर कम बनेंगी और कम बेल्स को उठाना और मैनेज करना जो है हमारे लिए आसान होगा। अभी हम लोग जो है वो साइज़ इनक्रीज़ कर लेते हैं इसका बेल का, और यहाँ पे अभी मुझे शायद याद नहीं पड़ रहा कौन सी की यूज़ करते हैं फॉर लार्ज बेल। सो लेट्स सी के इससे हम लोग जो है वो लार्ज बड़ी बेल जो है वो रैप कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कहीं पे के जो बहुत बड़ी बेल्स होती हैं उनको आप रैप नहीं कर सकते, वो जो है वो ऐसे ही निकल जाते हैं, बेलर जो है वो उनको रैप ही नहीं करता। सो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ी बेल है तो इसको जो है वो बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी एक थोड़ा सा टाइम सेविंग प्रोसेस ही है कि बेल बड़ी होगी तो उसको बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी इसमें बेल बनती है राउंड बेलर में तो आपको जो है वो ब्रेक लगा के उसको इजेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलर ने ये वाली बेल रैप नहीं की, तो हमें जो है वो इसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम जो है वो यहाँ पे ख़राब होने वाला है। यहाँ पे 150 सेंटीमीटर रेडियस वाली अभी हम बेल बना के देखते हैं, और आई जस्ट होप के ये वाली बेल जो है वो रैप कर दे, क्योंकि
क्योंकि बिल्कुल ही छोटी बेलें होंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगी और हमें बार बार बनती रहेंगी और फिर उसका नुकसान ही होगा। तो मतलब थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगेगा। सो आई थिंक वो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने जो है वो बेसिकली रैप अप करना है इसको जल्दी जल्दी प्रोसेस को। सो यहाँ पे देखते हैं कि 150 सेंटीमीटर रेडियस वाली बेल रैप होती है या नहीं। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट बनने वाली है एंड लेट्स सी। ओके 100% कंप्लीट हो चुका है। मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। अभी हम देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ पे। सो इट्स इज़ गुड न्यूज़ कि ये जो है वो रैप हो रही है बेल। और इसी तरह से अभी हम जो जितनी भी नेक्स्ट जो है वो हम अपनी बेल्स बनाएंगे वो इसी तरह से हम लोग जो है वो रैप करेंगे। सो यहाँ पे चिकलते हैं और बेल्स हम लोग जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं जितनी हो सकता है। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे एक और फील्ड था जिसके ऊपर मैंने ग्रास को मूव भी किया और यहाँ पे इसकी जो है वो बेल्स भी बना ली। सो अभी मैंने सोचा कि अभी हम ये काम कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में जो है वो कर लेते हैं। सो ये एक और फील्ड था, इसके ऊपर मैंने ग्रास मूव किया और अगेन उसी तरह से विंडरोवर यूज़ किया एंड हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा राउंड रेप रैप रेप सॉरी सॉरी राउंड रैप्ड बेल्स जो है वो बन चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ओके तो ये मैं बेसिकली थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जो है वो कलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो बच गई है थोड़ी बहुत ग्रास उसको कवर करने की जो है वो कोशिश। तो जो थोड़ा बहुत बच गया है उसको जो है मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे पास एक न्यू एक्स्ट्रा बेल जो है वो बन पाएगी। सो लेट्स गो, इसको अभी हम बेलर को यहाँ पे पार कर देते हैं और उसके बाद हम लाते हैं जी अपना बेल कलेक्टर और बेल्स को जो है वो पिक करना जो है वो शुरू करते हैं। सो पिकिंग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है। हमारे पास जो है वो यार क्या था उसका नाम, ओह माय गॉड मुझे जो है वो टोटली भूल गया है यार। वो पैक का था ना, सीरियसली यार वो क्या नाम था उस पैक का यार। वो फार्मिंग सिमुलेटर 19 में जो है वो डीएलसी आया था उस पैक का और वो सारा बेलिंग के रिलेटेड इक्विपमेंट ही था। ए से शायद उसका नाम शुरू होता था, अभी मेरे टोटली जो है वो जहन से निकल गया है। नाउ लेट्स सी। ओके यार ये है ना एक थोड़ा सा मतलब मसला है। जो ओपन हमारे पास है यहाँ पे चिकन कूप, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो एग्स स्पान हो रहे हैं वो बिल्कुल रास्ते में स्पान हो रहे हैं। तो अब मैंने जो है वो एक पैलेट को टच कर दिया है। सो मुझे ये लगता है कि अब इसके ऊपर मज़ीद एग्स नहीं आएंगे, बल्कि जो है वो स्पानर न्यू एग पैलेट जो है वो स्पान करेगा और बाकी जितने भी एग्स जो है वो स्पान होने हुए वो उसी के ऊपर जो है वो स्पान होंगे। सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने यहाँ से बार बार गुजरना होता है तो थोड़ा सा ही अगर वो टच करता है और पैलेट लेफ्ट राइट हो जाता है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि वो फिर उसके ऊपर दोबारा जो है वो स्पान नहीं होंगे। सो अभी हम यहाँ पे ये वाला है हमारे पास राउंड बेल कलेक्टर, तो इसको हम यूज़ करते हुए अपनी बेल्स जो है वो उसको कलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास बेसिकली एक और टास्क पड़ा हुआ है जो कि हमने करना है। पिछले गेम प्ले में भी मैंने उसको पेंडिंग कर दिया था। वो था हमारे कुछ फील्ड्स हैं जो कि प्लॉट हैं, उनके ऊपर स्टोन्स पड़े हुए हैं, उनको हमने जो है वो स्टोन पिक करने हैं और स्टोन पिक करने के बाद हमने वहाँ पे कुछ क्रॉप प्लान करनी है। अच्छा यहाँ पे एक और छोटी सी प्रॉब्लम है इस फील्ड में, इस मैप में फील्ड जो है वो छोटे हैं और प्रॉब्लम ये है कि फील्ड्स कुछ ज़्यादा ही जो है वो छोटे हैं। सो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। ये बिल्कुल ही माइक्रो लेवल के जो है वो फील्ड्स हैं। आई नो कि मैप के मुताबिक वो ठीक हैं और कुछ लोगों को शायद इस तरह का कोई मैप चाहिए होगा जिसमें मतलब कि इस साइज़ के जो है फील्ड्स हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी नीड्स के मुताबिक मुझे ये फील्ड्स जो है वो थोड़े से छोटे लग रहे हैं। सो शायद मुझे कुछ फील्ड्स को जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़े और अगर वो किया तो मैं इन गेम प्ले करूँगा और होपफुली आप लोग जो है वो देख ही लेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स जो है वो मैं इतने ज़्यादा एक्सटेंड करता।
यहाँ पे हम लोग जो है वो करना शुरू हो चुके हैं जी बेल्स हमारे कलेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी बेल्स जो है वो यहाँ पे ही आके जमा होना शुरू हो गई हैं रोड़क रोड़क के। सो यहाँ पे गुच्छा बना पड़ा है बेल्स का, और अच्छी बात है कि हमें जो है वो पूरे फील्ड में बार बार आगे पीछे जो है वो ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, तो सारी बेल्स जो है वो हम एक ही दफ़ा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी जल्दी जल्दी से हम लोग जो है वो बेल्स अपनी कलेक्ट करते हैं और अगले टास्क की तरफ चलते हैं। तो जी ये एक बेल रह गई थी, मैंने इसको यहीं पे अटका दिया। ये रह इसलिए गई थी, कैपेसिटी ज़रूर है बेल कलेक्टर में, रह इसलिए गई थी क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट है और बाकी जो बेल्स हमने उठाई हैं वो डिफरेंट साइज़ की हैं, तो साइज़ डिफरेंस की वजह से एरर आ रहा है और वो बेल कलेक्टर इसको जो है वो पिक नहीं कर रहा, विच इज़ नॉट गुड। सो मैंने इसको यहाँ पे अटकाया था लेकिन यहाँ पे भी ये अटकी नहीं रह सकी और गिर गई। सो इसको मैं उठा के अभी जो है वो अपने फार्म पे ले चलूँगा। फ़िलहाल देखते हैं कि हमें जो है वो प्राइस कहाँ पे मिल रही है। सो ज़्यादातर प्राइस जो है वो एक ही जगह पे मिल रही होती है, वो है लाइव स्टॉक मार्केट या एनिमल्स शॉप के ऊपर। सो इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे अगर बेल्स का ऑप्शन नज़र आ जाए, लेकिन बेल्स का ऑप्शन कहीं पे है नहीं। सो इसका मतलब है कि हमें जो है वो इधर ही जाके ट्राई करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि हम उधर हम इसको जो है वो सेल कर पाएंगे या नहीं, तो आई जस्ट होप कि यहाँ पे ये जो है वो बिक ही जाएंगी। सो लेट्स सी बहरहाल क्या बनता है और हमें पैसे कितने मिलते हैं। FS19 में तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो मिलते थे रैप्ड बेल्स के, लेकिन FS20 में अभी तक मैंने रैप्ड बेल्स जो है वो सेल नहीं की। सो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, प्राइस जो है वो ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि आप जो है वो किस टाइम पे, कभी कभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप की भी प्राइस जो है वो रिडिकुलस चल रही होती है। सो मे भी हो सकता है कि अभी मैं सेल करूँ तो प्राइस उतनी फेवरेबल ना हो। अच्छा, ये वाली सड़क मैंने कभी जो है वो ट्राई नहीं की थी, तो आई जस्ट थॉट के इसके ऊपर भी एक दफ़ा जो है वो ट्रैक्टर हम लोग ज़रूर ड्राइव करें। काफ़ी खूबसूरत किस्म की सड़क है। टू बी ऑनेस्ट, इसके जो मड ट्रैक हैं, ये वाले जो कच्ची सड़कें सी हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती इनक्रीज़ कर रही हैं इस मैप की, और इसकी वजह से ये मैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो यहाँ पे आ चुकी है जी एनिमल शॉप, और यहाँ पे हमने सेल करना है, यहाँ पे तो ट्रिगर नहीं है। सो मेरे ख्याल से हमें वो दूसरी साइड पे जाके जो है वो सेल करना पड़ेगा अपना स्टफ़। लेट्स सी, और यहाँ पे ट्रिगर है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सेल करने की कोशिश करते हैं, जस्ट होप के बिक जाए। क्योंकि अक्सर मेरे साथ होता ये है कि मैं अगर जाऊँ ऐसे ही बगैर पहले पर्सनल गेम खेलने के, अगर डायरेक्ट जाऊँ तो गेम प्ले में जो है वो ब्लेंडर होने होते हैं। सो आई जस्ट होप कि ये बिक जाए। चलो लेट्स सी। ऑलराइट, वाओ, सो बिक तो रहे हैं $13,000 और $3,000, $16,000, नॉट बैड। एंड बट टू बी ऑनेस्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, और मैं जो है वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा हमें जो है वो पैसे मिलेंगे, बट मेरे ख्याल से इतने भी काफ़ी हैं। मे बी इट इज़ द रीज़न के शायद इतने जो है वो प्राइस अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी, सो उस वजह से भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। तो अभी हम चलते हैं जी, इसको पार करते हैं और देखते हैं मेरे पास स्टोन पिकर है या नहीं, स्टोन कलेक्टर है या नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे पास नहीं है, बट लेट्स सी। आई जस्ट होप कि अगर हुआ भी तो लेट्स सी, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि मैंने नहीं लिया था। अगर ना हुआ तो हम लोग जो है वो एक अदद स्टोन पिकर जो है वो लीज़ पे ले लेंगे, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़रूरत हो हुई काफ़ी ज़्यादा हमें महसूस हुई, सो हम लोग जो है वो उसको बाय ही कर लेंगे। नाउ द रीज़न इज़ के स्टोन पिकर जो है वो इसलिए मैं बाय नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये जो है वो चैलेंज मेनली जो है वो रखा हुआ है ऑर्चर्ड्स के ऊपर और ये इस तरह के ग्रास वर्क के ऊपर, और अभी तो हमने जो है वो बहुत जल्द इसमें फॉरेस्ट्री स्टार्ट करनी है, लो बजट फॉरेस्ट्री। एंड आई जस्ट होप कि हमारा जो है वो यहाँ पे काम बन जाए और हम लोग जो है वो लो बजट फॉरेस्ट्री यहाँ पे कर पाएँ, और अगर हम कर पाए तो नेक्स्ट में जो है वो एक कारपेंट्री की बिल्डिंग जो है वो इसमें प्लेस करूँगा। बिकॉज़ पिछले गेम प्ले में भी मैंने जो है वो प्लान किया था, पिछले मैप में भी कारपेंट्री की बिल्डिंग, लेकिन आई कुड नॉट डू इट
और वो मैप मुझे जो है वो टू बी ऑनेस्ट अबंडन करना पड़ा। उसमें जो है वो बग्स काफ़ी ज़्यादा थे एंड मेरी मिस्टेक थी कि मैंने उसको थ्रूली चेक नहीं किया था मैप को। बट ये वाला मैप जो है वो मैंने अच्छे से प्ले करके चेक किया है। इसमें भी हैं कुछ बग्स लेकिन वो इतने ज़्यादा गेम ब्रेकिंग नहीं है जितने ज़्यादा जो है वो उस मैप में बग्स थे। ओके जी, अल्लाह अल्लाह करके हमने यहाँ पे अपना बेल कलेक्टर जो है रिवर्स कर लिया है। एंड एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे हमारे पास स्टोन पिकर नहीं है, स्टोन कलेक्टर नहीं है। सो ये हमने ले लिया एक लीज के ऊपर। एंड नाउ लेट्स सी, और इसको भी हम लोग लेके चलते हैं और ड्राइव करते हैं। और इससे जो है हमारे दो तीन फील्ड हैं बेसिकली जिनको मैंने जो है वो प्लो किया हुआ है, और उनके ऊपर से हम लोग जो है वो स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। उनमें से एक फील्ड यहाँ पे हमारे करीब ही है, यू गाइस कैन सी इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो काफ़ी छोटा फील्ड है। इस तरह के मतलब फील्ड को देख के मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है वो माइक्रो लेवल के जो है वो फील्ड्स हैं, और मतलब थोड़े से यार इनका ना साइज़ बढ़ाना चाहिए। मतलब इसके ऊपर तो अब कोई चीज़ प्लांट करना बिल्कुल अ मिनट और 2 मिनट की बात है। सो इतने भी मतलब छोटे नहीं होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट कीप इन माइंड कि ये जो ग्रास के पैचेस हैं यहाँ पे, इनके ऊपर फील्ड्स के निशान बने हुए हैं। सो अगर हम चाहें तो इनको जो है वो फील्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी वी कैन इवन कल्टिवेट, और ये जो है वो फील्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी मतलब कि हमें जो है वो एज है कि हम जो है वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे दिल करे फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आज का गेम प्ले। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको भी गेम प्ले देखने का उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इस गेम प्ले को बनाते हुए आया। सो गेम प्ले के रिलेटेड, चैनल के रिलेटेड या वीडियो के रिलेटेड आपकी कोई भी सजेशंस हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।